इस तरह का एनवलप बनाने के लिए हम लेंगे पहले पुराने वेडिंग कार्ड। आप कलरफुल वेडिंग कार्ड ले सकते हैं, कोई सी भी कलर के ले सकते हैं। और आपको एक हाथी इस तरह से ड्रॉ करना है। अब हम अपने हाथी के हिसाब से सारे पीसेस कट करेंगे। हाथी कट करने के लिए हम इस कलर में से हाथी कट करेंगे। तो हम यहाँ पे अपने हाथी के ऊपर पेन से चला लेंगे। पूरा हाथी इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पेपर पे निशान आ जाएगा तो हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हम हाथी कट करेंगे। हम दो हाथी कट करेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी कटिंग, जैसे हमारे हाथी की ड्राइंग है उसके हिसाब से आप जैसे हाथी को डेकोरेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसकी सारी डिटेल कट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी सारी डिटेल कट कर ली। जैसे ये वाला हिस्सा है ये, अब इस छोटा वाला हिस्सा ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। ऐसे ही करके हमने अपने हाथी की सारी डिटेल कट कर लेनी है। इस तरीके से हमने अपने हाथी की सारी डिटेल कट कर ली है। अब हम अपनी डोली की सारी डिटेल कट करेंगे। हम अपनी डोली के हिसाब से पेपर कट कर लेंगे। अब हम अपनी डोली से बड़ा एक इस तरीके का पेपर कट करेंगे और एक इस तरीके से हमें एक पीस रेडी करना है। और हमें अपनी डोली को जैसे डेकोरेट करना है उसके हिसाब से हम अपनी डोली की भी डिटेल कट कर लेंगे। तो हम अपनी डोली की भी डिटेल जो हम से हमें डेकोरेट करनी है वैसे हम कट कर लेंगे डिटेल। आप चाहते हैं तो अपने हिसाब से डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी डोली की भी डिटेलिंग पूरी कट कर लेंगे। अब हम इसे चिपका देंगे आपस में। एक एक करके हम अपनी सारी डिटेल लगा लेंगे हाथी के ऊपर। हमने हाथी के ऊपर सारी डिटेल लगा ली है। अब हम अपने डोली के ऊपर सारी डिटेल लगाएंगे। इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। बीच में ये वाला पीस रख के हमें इसे चिपका देना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे हल्का सा साइड में चिपका देंगे। और अभी हमें ये हाथी के ऊपर इतनी जगह नहीं चिपकानी है ताकि हम इसे अंदर बाहर निकाल सकें। बाकी हमें हाथी को सब जगह से चिपका देना है, खाली ऊपर से इतना खुला छोड़ देना है ताकि ये हम अपना अंदर बाहर निकाल सकें। तो इतनी जगह नहीं चिपकाएंगे, बाकी हम सारा इसे हाथी को चिपका देंगे। हमें एकदम कॉर्नर कॉर्नर पे ही फेवी को लगा के चिपकाना है। हमें बीच में फेविकोल नहीं लगाना है, खाली इस तरीके से आउटलाइन में ही फेविकोल लगाना है। अब हम यहाँ पे चिपका दिए हैं दोनों हाथी को। अब थोड़ी सी फिनिशिंग कर देंगे। जहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर दिख रहा है नीचे का वो कट कर देंगे और अपने एलिफेंट को फिनिशिंग दे देंगे। एक्स्ट्रा कागज़ कट करके निकाल देंगे।
अब हमें ये अपने इस हाथी को डेकोरेट करना है। आप चाहें जैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास तारा, मोती, कुंदन, जो भी सामान है आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से कुंदन अगर आपके पास है तो कुंदन लगा सकते हो। आप जैसे चाहे इसे डेकोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से, कम ज़्यादा। इस तरीके से हमने हाथी को डेकोरेट कर लिया है। आपके पास जो सामान है आप वो यूज करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और अब हमें इस डोली को भी सजाना है। डोली को भी जैसे हमने हाथी को सजाया है वैसे ही सजाना है। तो जो सामान आपके पास है उसी से आप डेकोरेट कर सकते हैं डोली को भी। इस तरीके से मैंने अपनी डोली को रेडी कर लिया है। यहाँ पे स्टोन, यहाँ पे गोल्डन लंबे स्टोन लगा के हमारा हाथी रेडी है और डोली रेडी है। और यहाँ पे मैंने हाथी की आग भी बना दी है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से शगुन रखना है और हाथी के अंदर इस तरीके से इसे डालना है। इस तरीके से हमारा ये शगुन एनवेलप बनके तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे कॉइन भी रख सकते हैं। इस तरीके से कॉइन रख के भी आप इसे दे सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये पुल करने वाला डोली वाला एनवेलप कार्ड बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरा ये मनी एनवेलप पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।